क्वेश्चन है जेई एडवांस 1991 ऑन द इंटरवल 0 टू 1 द फंक्शन x टू द 25 टाइम्स 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 35 टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट। देखो डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर इक्वेट कर देना है, जो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। देखो अब आजकल लोग कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं, आसान बिल्कुल नहीं आता है इतना आसान, लेकिन कॉन्सेप्ट तो भाई ऑल्टर नहीं करेगा ना, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो टिल पूरे जीवन तक यही रहेगा, कोई भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑल्टर नहीं हो सकता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f dash x is equal to क्या हो जाएगा, 25 into x raised to the power 24 1 minus x raised to the power 25 plus x raised to the power 25 75 into 1 minus x raised to the power 74 और minus x का minus 1, ये हो गया 0 के बराबर इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा 25 x raised to the power 24 और 1 minus x raised to the power 74 कॉमन कर लेंगे, हट ही जाएगा ये इसके मतलब, और आप देखो यहां क्या बच जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स, ठीक माइनस आप यहां देखो 25 लिया हो तो 3 एक्स रेस्ट टू पावर 20 ये हो गया x, ठीक है ये आपके पास आ गया विच इज इक्वल टू 0। एक का तो इसको 0 के बराबर इक्वेट, ठीक है, क्योंकि यहां से करोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन आपको 0 और 1 के बीच में कह रखा है तो ये नहीं, यहां कह रहे यहां से करोगे तो 0 आएगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कह रहा है इसको होना होगा, तो 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/4, 0 और 1 के बीच में दे रखा है, पहले ही इंटरवल डिफाइन कर रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बी। देखो हर साल दर साल क्वेश्चन का लेवल का टफनेस बढ़ रहा है, उसका रीजन ये है जिससे हम लोग अपने टाइम पे पढ़ते थे, जो फैकल्टी हमें पढ़ाया उतना ही तक हमने जाना, मान लो किसी फैकल्टी का कोई वाई सब्जेक्ट वीक है तो हमें भी वाई सब्जेक्ट वीक है, आज वो नहीं है बात भाई मेरा वाई सब्जेक्ट वीक है तो आप किसी अदर फैकल्टी, आपके पास यूट्यूब वीडियोस हैं या जहां भी आपके पास है अपॉर्चुनिटी बहुत कस्टमाइज रेट पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका वो लेक्चर देख सकते हैं, उससे वो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, तो इसलिए लोगों की नॉलेज भी बढ़ रही है, डे बाई डे कॉम्पिटिशन इसीलिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ गई है भाई ई लर्निंग से, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस कदर सॉल्व कर रहे हैं।